तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं कुछ बहुत ही अच्छा सा काम करने जा रही हूँ। ये रंग बिरंगी सी कुछ चीज़ें आप लोग को दिख रही हैं, तो हाँ, ये है सब्जियों के बीज। इसे मैं ना अभी भिगा दे रही हूँ, तो रात भर इसे ना मैं भिगा दूँगी, सोख हो जाएगा, उसके बाद हम इसका कुछ करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, चलिए अभी मैं बता देती हूँ। तो जी हाँ, ये मैं ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इस तरह से सब्जियों के जो बीजेस थे ना, वो फूल गए थे, तो अब है ना मैं इसको जा रही हूँ लगाने। और यहाँ पर विनी भी आ गई, देखिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, इनको ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो अब हम दोनों मिलके इससे जा रहे हैं लगाने। तो यहाँ पे मिट्टी हमने पहले से ही तैयार करके रख दी थी, कुछ ज़्यादा खास मिट्टी नहीं है, जो मिट्टी हमारे घर में थी वही मिट्टी है। और इसमें पानी मैंने पहले ही डाल के सेट कर दिया था, ताकि मैं जब लगाने जाऊँ तो ये जल्दी से लग जाए। तो इस तरह से ना मैं बीच बीच में ना कुछ जगह बना ले रही हूँ, जहाँ पर मुझे बीजेस को लगाने हैं। तो यहाँ पर जगह बना रहे हैं, साथ में विनी भी बैठी हुई हैं। और सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि भाई घर में थोड़ा सा भी जगह मिले ना, वहाँ लगा दो। जिसे भी जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ सब्जियाँ लगाओ, टमाटर लगाओ, सारी चीज़ें लगाओ। यार इतनी महंगी सब्जियाँ कहाँ से लेके आए। तो यहाँ पर है ना, देखिए मैं एक एक करके सारे ना बीजेस को लगा दे रही हूँ। अभी मैं बस इनको इसमें लगा रही हूँ, बाद में जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, तो हम इनको अलग अलग गमले में कर देंगे। तो गमले में ही लगा सकते हैं, बाकी तो कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रो बैग है, मंगाया था मैंने, और ये देखिए अभी इसे लगा रहे हैं। तो इस तरह से ना सभी को लगा देंगे। और सच बोलो ना, पौधा लगाना इतना ज़्यादा माइंड फ्रेश करता है कि अगर आप कभी बोर हो रहे हो, लो फील कर रहे हो ना, तो कुछ नहीं, आपके पौधों में जो घास फूस निकली होती है ना, बस वही जाके निकालने लगो, आपका माइंड इतना ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा, आप इतने ज़्यादा फ्रेश हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे। तो बागवानी तो सभी को करनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही, बहुत बड़ी नहीं सब कर सकते हैं भाई, शहर में तो कहाँ जगह होता है। लेकिन जिसको जहाँ जैसे चीज़ें मिले, उसी में ही बागवानी करनी चाहिए। इससे ना बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, आपके माइंड को फ्रेशनेस भी मिलता है, साथ में माइंड ना बहुत रिलैक्स हो जाता है। और प्रकृति को तो इससे फ़ायदा मिलती है, आपको भी मिलती है। तो यहाँ पर है ना, बस मैं इस तरह से सारे बीजेस को लगा दे रही हूँ। और ये हरी हरी बीजे देख के आप तो समझ जाइए कि जी हाँ, ये भिंडी के बीजे हैं। ये हमने गांव से मंगाया था, तो गांव में ना कुछ इस तरह से कलर करके देते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसे भी इस तरह से लगा दिया है। अब कुछ दिनों बाद ये देखिए, छोटे छोटे पौधे निकलने लगे हैं, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और उसके बाद ये देखिए इस तरह के हो गए हैं। तो बस इस साइज़ पे ना अब हम इनको निकाल के अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर देंगे। ओके गाइस, मैं आप सबको सुई मुई दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, सुई मुई, सुई मुई, सुई मुई, कहीं देखिए सुई मुई नहीं है, ये सुई मुई नहीं है, ये है आंवला। क्या है? मम्मी वो सुई मुई बता रहा आपको क्या होता है। इनको ना, इनको लग रहा है कि वो सुई मुई का पेड़ है, बट वो आंवले का पेड़ है जो वहाँ पे पीछे लगा हुआ है। और आप लोग देख सकते हो हमारी सब्जियाँ कितनी अच्छे से आ गई हैं। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पर हस्बैंड जी भी हेल्प कर रहे हैं। तो मेन है ना, गार्डनर यही हैं, हम तो बस इनके साथ सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता। और ये देखिए, पुराने जो पेड़ पौधे थे जो ख़राब हो रहे थे ना, उसको काट काट के हमने रख दिया था, अब ये सूख गए हैं, तो इनको है ना जला देंगे। और जलाने के बाद जो राख बचेगी ना, वो उसको खाद की तरह हम पौधों में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ देखिए, मैं हमने ना ये लगाया था धनिया, और धनिया देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रो होके सूख गया है, काफ़ी सारे धनिया हमको मिल गई थी। तो अब धीरे धीरे ना सभी को इस तरह से हम जला लेंगे। अच्छा, लपट आ रही है।
तो गाइज आप देख सकते हो तूफान ने हमारे छोटे से टेरेस गार्डन का क्या हालत कर दिया यार। इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ों को इस तरह से गिरा दिया है। तो ये जो बड़ा वाला है ये चीकू का है और छोटा वाला जो है ना वो सैतूत का है। बहुत ही मीठा सैतूत निकलता है उसमें। और ये देखिए चीकू, कितने सारे चीकू निकले हैं। निकलते तो चीकू बहुत ज़्यादा हैं लेकिन रुकते बहुत कम हैं। थोड़े बहुत रुके हैं वो भी आंधी तूफान से, कहीं गिर ना जाएं यही डर लगा रहता है। तो देख सकते हो आप कितना नुकसान कर दिए हैं। और कुछ समय बाद ये देखिए हमारा पेड़ पौधे, ये है ना लुभिया का पेड़ है, और ये देखिए लौकी, तरुई, भिंडी सभी निकल गए हैं। तो ये हम तोतला राम अनारी तू खिलाड़ी। ये देखिए तो इस तरह से हमारी सब्जियां लग चुकी है। ये देखिए तो गाइज ये देखिए यहाँ पर है ना सब्जी को बांधने के लिए, यहाँ पर अंगूर को बांधने के लिए और सब्जियों को बांधने के लिए इस तरह ना लोहे की पतली सी तार लगाई जा रही है। तो ये देखिए तो इससे ना इनको सपोर्ट मिल जाएगा। कहाँ लगाएंगे? और यहाँ पर ये देखिए विनी, तो रोज शाम का इनका यही है, ये इस तरह से मिट्टी से खेलती हैं और बाद में मम्मा का काम बढ़ा देती हैं। ये देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है भाई, जब फल चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये देखिए मिट्टी का लड्डू बना के लाइए मेरे लिए, जाओ यहाँ से। लड्डू। तो गाइज आप लोगों ने देखा किस तरह से सब्जियां लग चुकी हैं और जैसे जैसे बड़ा होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इस ब्लॉग को यहीं पे कर देती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।